नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर पाकिस्तान के उस आर्थिक हालत को लेकर है कि क्या भारत को इस आर्थिक हालत से चिंतित होने की ज़रूरत है, क्या पाकिस्तान के बिगड़ते हालातों पर भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, और अगर भारत पाकिस्तान की मदद नहीं करता है तो क्या भारत के लिए भविष्य में स्थितियाँ जो हैं थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले जो है आपको बता दें कि इस पर एस जयशंकर का भी बयान आया इस सवाल के जवाब में कि अगर स्थिति पाकिस्तान की ख़राब होती है तो भारत को इस पर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। इस पर एक इंटरव्यू भी सामने आया है जिसमें पाकिस्तान की एक जानी मानी रक्षा विशेषज्ञ हैं आयशा सिद्दीकी, उनका बयान आया है। उससे आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोमिनेंट आवाज़ें हैं वो इस परिस्थिति को लेकर भारत की तरफ किस नज़रिए से देख रही हैं, और साथ ही एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं अजीत रानडे जो कि भारतीय हैं, यानी कि भारत के जो जानकार हैं इकोनॉमी के मामले से, वो इसको किस तरीके से देखते हैं। तो तीनों के बयान हम आपको इसमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझा दें कि आखिर पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस समय हैं क्या। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान का करीब एक तिहाई देश जो है वो बाढ़ की वजह से पानी में डूबा हुआ है। उसके अलावा जो इकॉनमी है उसकी लगातार कमज़ोर होती जा रही है, जो उसका विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी कुछ दिनों का ही बचा हुआ है, और उसके अलावा जो है पाकिस्तान के कई इलाकों में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और प्रोटेस्ट की वजह से बढ़ती महंगाई की वजह से लोग जो है नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा जो TTP है वो आतंकी हमले भी कर रहा है, और जो इसके अलावा बड़ी चीज़ है वो है कि IMF पाकिस्तान के साथ जो करार करेगा उस करार के आधार पर ही जो पाकिस्तान को जो समर्थन करने वाले देश हैं, यानी पाकिस्तान जिन्हें अपना मित्र देश मानता है, वो अब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर IMF के साथ में पाकिस्तान का करार होता है तो ही पाकिस्तान की मदद की जाएगी। लेकिन बड़ी बात ये भी कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक पाकिस्तान के करीब 40 लाख बच्चे जो हैं उन इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पर पानी बहुत दूषित है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो भविष्य है यानी कि जो बच्चे हैं वो भी गंभीर बीमारी की चपेट के खतरे में आते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान का आज जो है वो तो है, लेकिन जो आने वाला वक्त है वो किस तरह का होने वाला है उस पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। और पाकिस्तान के इन हालातों को देखते हुए भारत को क्या चिंतित होना चाहिए, भारत को इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इस पर भारत के विदेश मंत्री, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के और इकोनॉमिस्ट जो कि भारतीय हैं, ये तीनों लोग इस पर क्या सोचते हैं वो यहाँ पर जानना ज़रूरी होता है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान की बढ़ती आर्थिक संकट जो है, बढ़ता संकट, वो भारत के नज़रिए से किस तरीके से आगे डेवलप हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एस जयशंकर के बयान से। एस जयशंकर जो हैं वो एक इंटरव्यू में पहुंचे थे ANI को, जानी मानी पत्रकार हैं स्मिता प्रकाश, उनको इंटरव्यू दिया था, और वहीं पर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात को भारत किस तरीके से देखता है, क्योंकि श्रीलंका में जो हुआ, जो पाकिस्तान की स्थिति है वो भी भविष्य में ऐसी ही होने वाली है। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं आयशा सिद्दीकी, उन्होंने दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है, जाना माना अखबार है, उसको एक पॉडकास्ट के जरिए इंटरव्यू दिया, और यहीं पर उनसे सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से अफगानिस्तान को एक लंबे वक्त तक हेल होल यानी कि जहन्नुम जैसा जो है वो माना गया, जिसके बाद में उसे हेल होल बनाने में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, उसके बाद में अफगानिस्तान में जो हुआ और उसकी कीमत आज की तारीख में कौन चुका रहा है वो भी दुनिया देख रही। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है भारत की तरफ किस नज़र से देखता है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि दिल्ली में पाकिस्तान से बातचीत को लेकर बहुत कम समर्थन है, सोच शायद ये है कि इस पुराने दुश्मन को सड़ने दो, इसे जहन्नुम की आग में जलने दो, लेकिन भारत को समझने की ज़रूरत है कि उसे ऐसे समझदार लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के बारे में सोचें। मैं भारत से दया की भीख नहीं मांग रही, मैं कह रही हूँ कि भारत अपनी आंखें न बंद करे ताकि ये पुराना दुश्मन पड़ोसी खुद को बर्बाद ना कर ले। आयशा ने आगे ये कहा, पाकिस्तान में जब तक सकारात्मक सोच उभरे भारत को भी चाहिए कि वो जहाँ तक हो सके पाकिस्तान को सहानुभूति की निगाह से देखे। उन्होंने आगे कहा वो पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने की बात नहीं कर रही। आयशा के मुताबिक कहती हैं कि उन्हें पता है कि दिल्ली और वॉशिंगटन में एक मान्यता है कि पाकिस्तान ने अपनी पीड़ित स्थिति और विक्टिमहुड का फ़ायदा जो है वो उठाया है, लेकिन आज की स्थिति गंभीर है। लेकिन इस तरस भरी निगाहों की उम्मीद के बीच भारत के विदेश मंत्री क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल एस जयशंकर जो हैं उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, ANI की जानी मानी पत्रकार हैं स्मिता प्रकाश, उनको इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थिति को आप किस नज़रिए से देखते हैं और भारत के नज़रिए से ये हालात जो हैं अच्छे हैं या ख़राब हैं, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का भविष्य ज़्यादातर पाकिस्तान के एक्शन
और पाकिस्तान के विकल्पों के चुनाव पर निर्भर है। कोई भी ऐसी मुश्किल स्थिति में अचानक और बिना कारण नहीं पहुंचता। ये उन पर निर्भर है कि आगे का क्या रास्ता निकलता है। आज हमारे रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि हम इस प्रक्रिया में सीधे तौर पर प्रासंगिक हों। अगर हम श्रीलंका से तुलना करें तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल अलग रिश्ता है। श्रीलंका को लेकर हमारे यहाँ बहुत मित्र भाव है। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार का बयान इसे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों की वजह से इन हालातों में पहुंचा हुआ है। आगे वो किस तरह के विकल्पों को चुनता है उस पर निर्भर करेगा उसका भविष्य क्या होगा। लेकिन अर्थशास्त्री जो कह रहे हैं, रानाडे जिनका मैंने जिक्र किया, अजीत रानाडे, इनका बयान जो है, इनके जो तर्क हैं वो अपने आप में काफ़ी गौर करने वाले हैं। रानाडे बताते हैं कि अस्थिर पाकिस्तान का मतलब है उग्रवादी इस्लाम और भारत विरोधी जहर का और ज़्यादा पैदा होना। इसका मतलब है कि भारत को अपनी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के लिए ज़्यादा संसाधन लगाने पड़ेंगे, जिससे आपको चीन की सीमा पर संसाधन हटाने होंगे। यानी कि पाकिस्तान की बर्बादी का जो असर होगा वो सीमाओं पर भी देखने को मिलेगा। यानी कि आज के दौर में जो कट्टर इस्लामवाद पाकिस्तान के अंदर है या जो आतंकवाद है वो और ज़्यादा बढ़ेगा अगर पाकिस्तान बर्बाद होता है। और बड़ी चीज़ ये भी कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। क्या वो जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या जो न्यूक्लियर सप्लाई उसके पास हैं, क्या वो आतंकियों के हाथ में लग सकती हैं? क्या पाकिस्तान खुद भी इनका सौदा, खुद को अपने आखिरी विकल्प के तौर पर इनका सौदा करके उसको इस्तेमाल कर सकता है? अगर पाकिस्तान की स्थिति खराब होती तो अर्थशास्त्री रानाडे जो बताते हैं उसके मुताबिक भारत को अपनी सीमाओं को पुख्ता करने के लिए खासतौर पर जो LOC का इलाका है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो उसके लिए उसे LAC से, यानी कि चीनी बॉर्डर से, अपने जो संसाधन होंगे उन्हें कम करना होगा। तो भारत के लिए आगे जाकर चुनौती जो है वो पाकिस्तान की बर्बादी से बढ़ सकती है। तो ये जानकारों के नज़रिए से हमने आपको बताने की कोशिश की कि जयशंकर क्या सोचते हैं, अर्थशास्त्री जो भारत के हैं वो क्या सोचते हैं, जो पाकिस्तान के जो वहाँ के रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भारत से किस तरह की उम्मीद लगा कर रखती हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान की बर्बादी पर? क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए और क्या पाकिस्तान के लिए आखिरी जो उम्मीद की किरण कह सकते हैं तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ भारत ही है? लेकिन भारत का हमेशा से ही ये स्टैंड साफ रहा है कि बंदूक की गोलियों की आवाज़ में या आतंकवाद के धमाकों की आवाज़ में बात नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को अगर भारत से मदद की उम्मीद रखनी है या भारत से मदद चाहिए तो सबसे पहले उसे आतंकवाद के उस रास्ते को छोड़ना होगा, आतंकवाद के उस टूल को छोड़ना होगा जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता आया है, और शायद कश्मीर का जो राग है उसे भी उसे सबसे पहले छोड़ना होगा। आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।